करा रहे हैं। अनुराधा पौडवाल अग्रवाल से करा रहे हम सब के साथी हैं, दुख सुख में साथ खड़े होने वाले हैं। ये दुकानें इधर साइड में हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार है और यहाँ कोई कहता हमें पश्मीना की शाल खरीदनी है तो इस प्रकार लोग ऐसे याद रखते हो। बड़ी सौभाग्य का विषय है कि भाई हमारे महाउत्सव को घूम रहे देख रहे हैं। अरे यार अमेरिकन कहाँ से लाए तो अमेरिकन काफी दुकानों पर ये भैया माननीय मंत्री जी माननीय दिलीप प्रसाद सिंह को हम रायबली के वासी भाई दिनेश साथी हैं, दुख सुख में साथ खड़े होने वाले हैं। ये दुकानें इधर साइड में हो जाएंगी और ये हमारे लिए ये वाली पार्किंग में चली बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार है और यहाँ पर बधाए हैं और इस रायबली हाउस महोत्सव होने जा रहा है, क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, जैसे अयोध्या भगवान श्री राम में है, पूरा देश श्री राम में है, उत्तर प्रदेश श्री राम में है, वैसे मेरा प्रयास है कि रायबरेली भी श्री राम में हो जाए। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय द्वारा रायबरेली में रायबरेली महोत्सव का आयोजन 11, 12, 13 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन और संस्कृति विभाग से बहुत सारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। इसके साथ ही अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी कलाकार हैं गीता बेन राबरी अहमदाबाद की, उनकी प्रशंसा की है। वो भी 11 जनवरी को सायंकालीन सत्र में रहेंगी। 12 तारीख के सायंकालीन सत्र में सुनील जोगी जी, राम भदावर जी और कई कवि हमारे रायबरेली के लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुतियां अपना काव्य पाठ करेंगे। ऐसे ही अंतिम दिवस 13 तारीख को भजन संध्या के रूप में श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी, जो देश और दुनिया में विख्यात हैं, वो अपने भजनों से रायबरेली को राममय करेंगी। इसके साथ ही रायबरेली की विभूतियों प्रतिभाओं का भी सम्मान इस कार्यक्रम में किया जाएगा। बहुत तरह की सरकारी योजनाओं का भी लोगों के बीच में प्रदर्शन किया जाएगा। कैसे हम बेहतर चीज़ों को अडाप्ट करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, इस पर भी कार्यक्रम होंगे। तो मैं समझता हूँ रायबरेली के लिए ये 3 दिवसीय एक सुखद वातावरण का कार्यक्रम है, जिसका बेहतर सफलता के साथ कार्यक्रम संपन्न हो, मेरा, जिले के प्रशासन का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जनपद के सम्मानित नागरिकों का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम बेहतर होगा, रायबरेली के लोगों को खुशियाँ देने वाला होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सोनिया गांधी नहीं आती हैं, इस सवाल को लेकर जब जिला अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल में एम्स दे दिया है, एम्स को सेक्रेटरी दी है, इतने काम कर दिए हैं कि जनता के बीच में उनको आने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगले चुनाव में वो भारी मतों से जीतेंगी और जो उनके खिलाफ जो लड़ेगा उसकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ जिन्होंने बयान दिया है उन्होंने
2019 का भी चुनाव देखा है, सोनिया गांधी अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह जीत के रायबरेली से गई हैं, इसको तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन दांत खट्टे हो गए हैं। रायबरेली की जनता उनकी इन नीतियों से सहमत नहीं है कि आप आओ और नामांकन करो, सर्टिफिकेट लेके चले जाओ। तभी तो उसने पिछले चुनाव में उनके खिलाफ 4.25 लाख वोट डाला, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार चाहे जो गांधी परिवार का चुनाव लड़े, रायबरेली की जनता उसको हरा करके ही रायबरेली से भेजेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। न्याय यात्रा शुरू हो रही है राहुल गांधी की, और रायबरेली से होकर गुजर रही है, क्या कोई फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव पर? मैं समझता हूं बहुत जगह न्याय यात्रा चली है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने समर्थन दिया है, तो जहां जहां भी उन्होंने यात्राएं की हैं, पदयात्रा की हैं, उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है देशवासियों ने, तो उम्मीद करता हूं रायबरेली में इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।